वो तो शूट पे आ गए थे एक दिन और वहां पे ही मेरा शूट हो रहा था क्लाइमैक्स का, लुकिंग एट मी डूइंग ऑल दैट। अपनी पत्नी ईशा देओल को लेकर भरत अख्तानी का बड़ा बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। भरत अख्तानी ने ये साफ कहा कि भाई वो मुझे पकड़ कर रखती थी और ईशा की कई आदतों से वो परेशान थे। धर्मेंद्र की लाडली बेटी ईशा देओल की शादी टूट गई है। ईशा और उनके पति भरत अख्तानी ने एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया है। शादी के 11 साल बाद ईशा और भरत की शादी टूटने से उनके फैंस को भी बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि ईशा और भरत के बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव होते रहते थे। ईशा के पति भरत ने फिल्म फेयर को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अपने रिश्ते को लेकर कई राज भी खोले थे। उन्होंने कहा था उन्हें बहसबाजी करना पसंद नहीं है, लेकिन ईशा की आदत है बातों को दोहराने की। भरत अख्तानी ने यह भी कहा था कि जब भी उन दोनों के बीच कोई भी अनबन होती थी तो वो ही हमेशा सॉरी कहा करते थे और सुलझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि ईशा देओल में काफी ईगो है। उस इंटरव्यू में भरत ने यह भी कहा था कि ईशा काफी पजेसिव नेचर की है। भरत ने कहा था कि मैं भी पजेसिव हूँ, लेकिन ईशा जितना नहीं हूँ। वो पकड़ कर रखती है मुझे, मैं जब पुराने दोस्तों के साथ होता हूँ तब भी मुझे बांध कर रखती है। बता दें कि ईशा देओल और भरत अख्तानी की शादी साल 2012 में हुई थी। देओल परिवार में ईशा की शादी का जश्न कई दिनों तक मनाया गया था। कपल की दो बेटियां भी हैं जिनका नाम राधिया और मिराया है। इतना ही नहीं, भरत अख्तानी ने यह भी ऐलान किया कि दूसरी बेटी के बाद से ही उन दोनों के बीच में मनमुटाव आने लगे थे। फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं कि भरत अख्तानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैंगलोर में रह रहे हैं और काफी सालों से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ईशा देओल और भरत अख्तानी के टूटे इस रिश्ते पर? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।